Hey guys, welcome back to our channel. So today we'll discuss about arsenic 5 clinical tips. So first one, anxiety or restlessness. Symptoms: arsenic album उन लोगों के लिए best है जो बहुत ज़्यादा anxious होते हैं, specially रात को, और इधर उधर हिलते रहते हैं. उन्हें लगता है कुछ बुरा होने वाला है. ये remedy उन patient के लिए होती है जो अपने health को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो सीरियस इलनेस में जा रहे हैं. देन सेकेंड वन, बर्निंग पेन्स. अगर पेशेंट को बर्निंग पेन हो जो ठंडा करने से बेटर होता है तो अर्सेनिक का यूज़ होता है. जैसे स्टमक में बर्निंग या स्किन में जलने जैसे सिम्टम्स. अर्सेनिक में बर्निंग सेंसेशन कॉमन होती है, लेकिन उस बर्निंग को ठंड से बेटर फील होता है, जो इस रेमेडी का यूनिक फीचर है. थर्ड वन, फूड पॉइजनिंग. जब किसी को खराब खाना खाने के बाद वॉमिटिंग, लूज मोशन और डिहाइड्रेशन हो जाए तो आर्सेनिक आराम से दे सकते हैं. इस रेमेडी को अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग जैसे सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीता है. फोर्थ वन, एक्सट्रीम वीकनेस. आर्सेनिक उन पेशेंट के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा थकान होती है, थोड़ा काम करते ही बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं. यहाँ फटीग और डेबिलिटी की मेन फोकस होती है और पेशेंट को लगता है कि वो रिकवर नहीं कर पाएगा. लास्ट वन, कोल्ड सिम्टम्स विद थिन वाटरी डिस्चार्ज. अगर किसी को सर दर्द के साथ पानी जैसी नाक बहाना और स्नीजिंग हो, स्पेशली रात के वक्त, तो आर्सेनिक हेल्पफुल होता है. ये रेमेडी स्पेशली तब काम आती है जब नाक से पानी लाइक डिस्चार्ज हो और पेशेंट ठंड महसूस करता हो. ठंड से उनका कोल्ड और वर्स होता है. सो आर्सेनिक एल्बम को जनरली तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब पेशेंट में एंग्जाइटी, बर्निंग पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज और एक्सट्रीम वीकनेस जैसे सिम्टम्स हो. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच. कीप